नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समेत भारत की घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान किया था। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि सुदीप त्यागी ने अचानक से संन्यास का ऐलान क्यों किया। हालांकि बीते काफी समय से उनको भारतीय क्रिकेट में मौका नहीं मिल रहा था। ऐसा में माना जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर विदेशी T20 लीग वो खेल सकते हैं। यही हुआ भी और इसी वजह से उन्होंने संन्यास भी लिया है। दरअसल खेल के सभी प्रारूपों को अलविदा कहने के बाद वो शुक्रवार को श्रीलंका प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण में खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गए। लंका प्रीमियर लीग में खेलने की वजह से सुदीप त्यागी ने संन्यास की घोषणा की थी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नियम ये कहते हैं कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी तब तक विदेशी लीग में नहीं खेल सकता जब तक उस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया हो। देश के लिए 4 वनडे इंटरनेशनल और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सुदीप त्यागी ने मंगलवार को अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। वर्तमान में वो हम्बनटोटा में क्वारंटाइन में रह रहे हैं, जहां T20 टूर्नामेंट 26 नवंबर से खेला जाएगा। सुदीप त्यागी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस बात की पुष्टि की है। ट्वीट में त्यागी ने लिखा, हम्बनटोटा में क्वारंटाइन, LPL T20 लीग, श्रीलंका और क्वारंटाइन को उन्होंने हैशटैग किया है। लंका प्रीमियर लीग में 5 फ्रेंचाइजी टीमें भाग ले रही हैं। कोलंबो, कैंडी, गॉल, दाम्बुला और जाफना की टीमों के बीच करीब 2 सप्ताह तक 23 मैच खेले जाएंगे। इस लीग में भारत के अन्य खिलाड़ी भी खेलने वाले हैं, जिनमें इरफान पठान का नाम भी शामिल है। हालांकि तमाम विदेशी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपना नाम वापस ले लिया है, जिनमें क्रिस गेल, फाफ डु प्लेसिस और रवि बोपारा जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।